आज एक नई वीडियो के साथ में। आज मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, ऑक्सीजन सेंसर कितने वोल्टेज देता है, तो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम पे कितना फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है वो कब इंक्रीज डिक्रीज होती है, लैम्डा रेशियो क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, हमारे DTC कब लो होते हैं, लीन और रिच के फ्यूल इंजेक्शन किस तरीके से कंट्रोल होता है, और ये जो सारा है ये सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों के लिए है, डीजल LPG CNG उनके रेशियो अलग होते हैं, तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये पेट्रोल गाड़ी के लिए है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, ऑक्सीजन सेंसर से। जब पूरा सिस्टम क्लोज लूप में आ जाता है तब इस चीज़ की शुरुआत होती है। जो कंबशन होने के बाद हमारा जो एग्जॉस्ट गैस बचती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बचकर जा रही है वो चीज़ मेजर करता है ऑक्सीजन सेंसर बैंक वन जो ऊपर लगा हुआ होता है ऑक्सीजन सेंसर वो वाला, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर है ये नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर की बात कर रहा हूँ, ये 50 मिली वोल्ट से लेकर के और 950 मिली वोल्ट के बीच में हमको वैल्यू देगा। इस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा जब आप स्कैन टूल में इसको चेक करेंगे लाइव डेटा के अंदर, ठीक है। तो अगर ये 450 मिली वोल्ट से नीचे है जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है तो इसका मतलब कि हमारी जो है कंबशन जो है ये लीन है, ठीक है। तो इसको कैसे पता चल रहा है कि लीन है, जो हमारा एग्जॉस्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है जो बचकर जा रही है वो ये मेजर करता है ऑक्सीजन सेंसर। तो जब 450 मिली वोल्ट से नीचे की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब वो ECM है, जो ये समझ जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। फिर ये शॉर्ट टर्म जो फ्यूल ट्रिम है हमारी इसको कमांड देगा DTM कि फ्यूल ऐड करो, ठीक है। तो जब ये नीचे जाएगा तब ये चीज़ हमारी ऊपर होगी, ठीक है, फ्यूल ऐड होगा। और इन तरीके से ये जो फ्यूल ऐड करना और फ्यूल कट करना ये जो प्रोसेस है ये हमारी लगातार चलती रहेगी। ये जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम का जो पैटर्न है ये ऑक्सीजन सेंसर के एकदम अपोजिट होगा, और ये ऑक्सीजन सेंसर का जो काम होता है शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को जीरो ऊपर एडजस्ट, ये जो हर बारी कोशिश रहेगा कि ये इसको मैं ज़ीरो पर लेकर के आऊँ। और अब ये लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है हमारी ये कैसे बनती है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम जो है 4-5 इंजन साइकिल के बाद या जितने भी अलग अलग मैन्युफैक्चर हैं उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। तो वो देखेगा कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है वो लगातार माइनस में जा रही है तो वो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को माइनस में कर देगा और अपनी वैल्यू को ज़ीरो पर लाने की कोशिश करेगा। और ये हमारा है लैम्डा रेशियो, तो स्कैनर में ये भी आता है आपका लिखा हुआ लैम्डा रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो, तो ये भी एक पर रहने की कोशिश करता है, एक पर रहने की कोशिश क्यों करता है क्योंकि जो हमारा ज्योमेट्रिक रेशियो है एयर और फ्यूल का वो 14.7:1 ये सबसे बेस्ट रेशियो है। तो हर बार ECM कोशिश करेगा कि मैं इसको यहाँ पर लेकर के आऊँ। तो ये जो लाइन है ये आपको दिख रही है 14.7:1, अगर ये जो लैम्डा की वैल्यू है हमारी ऊपर आएगी तो इसका मतलब हुआ कि लीन, एयर ज़्यादा फ्यूल कम, और एक से नीचे आएगी तो कंडीशन बनेगी रिच, यानी कि एयर कम है
अब जैसे ही 16:1 है, 14:7:1 इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हमारा 1.08 या 1.1 समथिंग आएगा, जो ये हमको दिखाता है कैलकुलेट करके ये जो डेटा है ये हमारे स्कैन टूल में दिखाएगा आपको। और इस कंडीशन में 12:1 तो ये 12 को हम डिवाइड करेंगे इससे, तो जो है हमारा आंसर आएगा वो 1 से कम होगा, यानी कि 0.9, 0.95, 0.92 इसके आसपास। अब ये जो टोटल सब कुछ हो रहा है, ऑक्सीजन सेंसर दे रहा है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम फ्यूल को ऐड कर रही है, कम कर रही है, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम में ऐड हो रहा है, तो ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ECM इसको यहाँ पर रखना चाह रहा है कि मेरी जो है वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए 14.7:1। और जो टोटल फ्यूल ट्रिम, ये जो हमारी टोटल फ्यूल ट्रिम है ये प्लस या माइनस 10 से कम होनी चाहिए, और जो टोटल फ्यूल ट्रिम है ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम प्लस जो हमारी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है इसको ऐड करके ये आंसर आता है। जैसे कि हमारी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है -5, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है +10, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5, यानी कि जो टोटल फ्यूल ट्रिम है वो 5 है। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 20 चली गई, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम -10 चली गई, तो भी हमारा आंसर जो है इसके नीचे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो है लीड DTC, रिच DTC, ये भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं आपको, जैसे कि उसमें दिखाता है सिस्टम इज टू लीड इन बैंक 1, सिस्टम इज टू रिच इन बैंक 1, इस तरीके के कोड DTC ग्रुप में काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। तो जब प्लस 25% से ऊपर चली जाती है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, ये वाली शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को नहीं देखना है, इस चीज़ में हमको लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को देखना है, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम हमारी 25% से अगर ऊपर जा रही है तो वो तुरंत DTC लॉक हो जाएगा, आपकी जो सेकेंड लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है जो ये पॉजिटिव में जा रही है और ये लिखा है लीन, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लीन क्यों है, क्योंकि फ्यूल तो ऐड हो रहा है इसमें, लेकिन फ्यूल क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि एयर कहीं से उसको ज़्यादा मिल रही है, तो वो एयर ज़्यादा मिलने की वजह क्या है कि जो हमारी थ्रॉटल प्लेट है उसकी कैलिब्रेशन आउट हो सकती है या ख़राब हो सकती है, या कहीं से वैक्यूम लीक है उसको बीच में से ही हवा मिल जा रही है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में पूरी एयर नहीं चेक चाहिए होती है। तो इस कंडीशन में आपको एक तो वैक्यूम लीकेज चेक करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे हैं, मतलब हवा ज़्यादा जा रही है और फ्यूल कम आ रहा है, और फ्यूल कम आ रहा है उसकी वजह क्या हो सकती है, हमारे इंजेक्टर है, इंजेक्टर चोक है, या फिर फिल्टर ओपन है पूरी पूरी क्या, मतलब थोड़ी बहुत आदि, जिससे कि फ्यूल जा नहीं पा रहा है हमारा पूरा उसके अंदर, तो ECM जो है उसको ऐड करने की कोशिश कर रहा है लगातार, तो वो 25% तक पहुँच गया है, और उसके बाद भी वो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारी अभी भी जा रही है, कंबशन हमारा हो ही रहा है प्रॉपर, तो ये लीन DTC हो गया, ठीक है। और फ्यूल कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंबशन है वो रिच है, रिच का मतलब एयर कम फ्यूल ज़्यादा, तो इसके लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारी एयर क्यों नहीं जा रही है पूरी इसके अंदर, जो हमारा एयर फिल्टर हो गया, हो सकता है कि एयर फिल्टर चोक हो, इस वजह से हवा नहीं जा रही है अंदर पूरी, या फिर जो हमारा रेल के अंदर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है उसकी वजह से, जैसे ही पिंटल ओपन होती है
इंजेक्टर की, तो फ्यूल जो है जितना जाना चाहिए उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में चले जा रहा है, तो इसलिए क्या करेगा कि फ्यूल को कट करेगा। तो जब वो देखेगा कि फ्यूल जो है 25% से ज़्यादा कट हो रहा है माइनस में, तो वो रिच डीडीसी हमको दे देगा। हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा, शुभम ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है एंड इसीलिए मैं उसको पूरा वो यू नो जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल है वो वीडियो लोड कर रहा है। तो आप लोग अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को एडिशनल क्वेश्चन हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो। चीयर्स, बाय-बाय।